नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, हम आ गए हैं आपके साथ 5000 बेस्ट क्वेश्चन को लेकर के। तो दोस्तों, जिनके पास नोटिफिकेशन पहुंच गई है वो हमारे साथ जुड़ जाएं। ये हमारे सीरीज का पहला टॉपिक है। आज हम टॉप 50 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जीके और जीएस के बारे में। तो दोस्तों, आ जाइए, जिनके जिनके पास रमेश चंद्र, गुड मॉर्निंग भाई, जुड़ जाइए, जब जल्दी जल्दी जुड़ जाइए जिससे हम क्लासेस जल्दी से स्टार्ट कर सकें। चलिए भाई, अपनी क्लास को आज स्टार्ट करते हैं। हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा, भारत का कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है। क्वेश्चन हमारा कह रहा है, विच इज द आर्टिफिशियल पोर्ट ऑफ इंडिया। तो इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर है आंसर नंबर सी। ओके, आंसर नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है, लेब्रॉन जेम्स किस खेल से संबंधित हैं। ओके, जल्दी जल्दी जुड़िए आप लोग। तो क्वेश्चन कह रहा है, लेब्रॉन जेम्स किस खेल से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बास्केटबॉल। ओके, बास्केटबॉल। तो लो, मैं आपको कुछ लेब्रॉन जेम्स के बारे में बता देता हूं, थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं। ये एक अमेरिकन प्लेयर हैं, ठीक है, ये एक अमेरिकन प्लेयर हैं, और इनके टीम का नाम जो है, उस टीम का नाम है लॉस एंजेल्स लेकर्स, ठीक है, इनके टीम का नाम ये है लॉस एंजेल्स लेकर्स। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तुम्हारा आज का तीसरा क्वेश्चन क्या है, समय से पहले संपन्न चुनाव को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा, जिनको पता हो कमेंट भी कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, स्नैप पोल। तो दोस्तों, बढ़ते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, 13वीं शताब्दी में राजस्थान के माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर किसने बनवाया। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, 13वीं शताब्दी में राजस्थान के माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर किसने बनवाया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, ऑप्शन नंबर डी, तेजपाल। मैं आपको इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं कि ये 13वीं, तो क्वेश्चन में ये लिखा हुआ कि 13वीं शताब्दी में बना था ये, लेकिन इसमें बनवाने में केवल तेजपाल का ही हाथ नहीं था, इसमें उनके भाई वास्तुपाल का भी हाथ था, ठीक है। तो हम जानेंगे थोड़ा सा जानकारी इसके बारे में।
तो इनकी जानकारी क्या है कि तेजपाल के साथ साथ उनके भाई वास्तुपाल, ठीक है, वास्तुपाल ने भी, उनका साथ दिया था बनवाने में। और ये एक तरीके का जैन मंदिर है, जैन टेम्पल है ये, ठीक। और बता दूं थोड़ी सी कि ये 5 टेम्पलों का समूह है, 5 टेम्पल है इसमें, ठीक। और इसको बनने में लगभग 11वीं शताब्दी से लेकर के 13वीं शताब्दी का वक्त लगा था, ठीक है, समय लगा था, टाइम 11वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक टाइम लगा था बनने में ये, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मशहूर पुस्तक स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट के लेखक कौन है, ठीक। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा, मशहूर पुस्तक स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट के लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कपिल देव, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कपिल देव, इसको कपिल देव ने लिखा है। तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया के किस हिस्से में कोरियाई प्रायद्वीप स्थित है। तो हमारा 6वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, एशिया के किस हिस्से में कोरियाई प्रायद्वीप स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ओके, ऑप्शन नंबर बी, ईस्ट एशिया, ओके, ऑप्शन नंबर बी मतलब 2, पूर्व एशिया। आपको कोई भी समस्या आ रही है तो आप कमेंट जरूर कर सकते हैं, मैं सारी कमेंट पढ़ रहा हूं, ठीक है। आपको कोई भी कुछ और जानकारी चाहिए तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, मैं पूरा आपको उसके बारे में बताने की कोशिश करूंगा जरूर। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, निम्नलिखित में से कौन से राज्य में सबसे ज्यादा वन आवरण है। मतलब पूछ रहा है विच स्टेट इन इंडिया हैज द लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर। कवर के बारे में पूछ रहा है कि इसमें सबसे अधिक कवर, ऑप्शंस में सबसे अधिक लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर कहाँ पे है। तो इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर ए, ओके, आंसर नंबर ए इज द राइट आंसर, मध्य प्रदेश। तो ये तो नंबर वन पे हो गया। अब आप लोग बताइए सेकंड स्थान पे कौन है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। मैं ही बता देता हूं कि सेकंड स्थान पे अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है, और थर्ड स्थान पे कौन सा है, थर्ड स्थान पे आपका छत्तीसगढ़, ओके, थर्ड स्थान पे क्या है, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ है थर्ड स्थान पे, मैंने पूरा नहीं लिखा, लिख देता हूं, थर्ड स्थान पे छत्तीसगढ़ है। हाँ, अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस देश के शोधकर्ताओं ने दुनिया का पहला एकल गुणसूत्र खमीर बनाया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चाइना ने, ठीक है, चीन ने बनाया है अभी हाल ही में, ठीक। आप इसको याद कर लें कि चीन ने एकल गुणसूत्र खमीर बनाया है। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भारतीय राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चे, सारे बच्चे जितने भी लोग जुड़े हुए हैं जल्दी जल्दी कमेंट करें।
राज्य के किसके द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है राज्य के राज्यपाल द्वारा, ठीक है, गवर्नर ऑफ द स्टेट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आंसर नंबर डी इज द राइट आंसर, ओके, ऑफ दिस क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, अल्ट्रासोनिक ध्वनि की आवृत्ति होती है, क्या होती है? क्वेश्चन कह रहा अल्ट्रासोनिक साउंड हैज द फ्रीक्वेंसी ऑफ, तो इसका राइट आंसर होगा प्रति सेकंड 20,000 कंपन ऊपर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 20,000। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जिला चार विभिन्न राज्यों को स्पर्श करता है? इसमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें पूछ रहा है कि चार विभिन्न राज्यों को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है। तो ये इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सोनभद्र। और ये कौन कौन सा जिला टच करता है ये भी मैं आपको बताता चलूं, स्टेट सॉरी, मतलब जिला जो है सोनभद्र, ये किन किन राज्यों को टच करता है? मैं बताता चलूं ये कौन कौन से राज्य हैं। ये राज्य हैं बिहार प्लस मध्य प्रदेश प्लस छत्तीसगढ़ प्लस झारखंड, ठीक है, ये चार राज्य हैं जिनको ये स्पर्श करता है, ओके। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक इलेक्ट्रिक हीटर का तार बना होता है, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है निक्रोम, ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। निक्रोम का बना होता है और टंगस्टन कहाँ यूज होता है? ये होता है बल्ब में, ओके। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्वदेश बांधव समिति के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा अश्विनी कुमार दत्त, ठीक है, इसका राइट आंसर है अश्विनी कुमार दत्त, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, अश्विनी कुमार दत्त। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1602 में विश्व का प्रथम संगठित शेयर बाजार कहां पर स्थापित किया गया था? तो वर्ल्ड फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन द ईयर कहां पे था भैया? जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी कमेंट कर सकते हैं आप अगर आपको पता हो तो। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एम्स्टर्डम में, ठीक है, नीदरलैंड में पड़ता है ये, ओके, आंसर नंबर ए। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कम तापमान को मापने के लिए यंत्र को कहा जाता है लो टेम्परेचर, जो मेजर करता है उसको क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं क्रायोमीटर, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा? आंसर नंबर बी। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, पिंगली वेंकैया का 141वां जन्मदिन 2 अगस्त को मनाया गया था, वह कौन थे? ठीक है, तो उनके बारे में पूछ रहा है, पिंगली वेंकैया के बारे में। तो ऑप्शन में दे रहा है, पहला व्यक्ति का सत्याग्रही, वंदे मातरम गाने वाले पहले व्यक्ति, तीसरा करा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइनर, चौथा करा लाल किले पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाले पहले व्यक्ति। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइनर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। मैं थोड़ा सा आपको पिंगली वेंकैया के बारे में बता दूं, इनका जन्म हुआ था 1876 ईस्वी में। ठीक है, ठीक, 2 अगस्त को हुआ था। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आंध्र प्रदेश में हुआ था, वैसे बेसिकली ये आंध्र प्रदेश के ही रहने वाले हैं। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जेम्स ए ग्लासलिंग द्वारा किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को विकसित किया गया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जावा। ओके, ऑप्शन नंबर बी, जावा। ये एक कनाडा के रहने वाले साइंटिस्ट थे। ठीक है, ठीक, अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक सुविही प्रभाव में तरल पदार्थ में डॉट हर बिंदु पर एक समान रहता है, क्या मतलब हर बिंदु पर एक समान क्या रहता है? वेलोसिटी। ओके, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, वेग, वेलोसिटी, सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि कोई वस्तु किसी सतह पर फिसलती है तो उसके बीच गति का प्रतिरोध करने वाला बल डॉट कहलाता है। तो क्या है, ऑप्शन दे रहा है, केंद्रामुखी बल, घर्षण अपकेंद्री बल, जड़त्व। इसका आंसर, राइट आंसर क्या होगा, आंसर नंबर बी, घर्षण, फ्रिक्शन। ओके, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पेंटेन के संरचनात्मक समयावयव होते हैं। तो इसके कितने संरचनात्मक समयावयव होते हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 3। क्या होगा आंसर इसका, राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, 3। ठीक, पेंटेन का क्या होता फार्मूला, वो मैं बता देता हूं आपको, C5H12 है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारत ने डॉट से स्वदेशी विकसित सतह से सतह 60 रेंज बैलिस्टिक मिसाइल प्रहार को सफलता पूर्वक परीक्षण किया। ये आपका पुराना क्वेश्चन है, प्रहार के बारे में पूछ रहा है कि इसका परीक्षण प्रहार का कहां से हुआ था। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ये कई तरीके से पूछा जाता है आपके आपके पेपर्स में। प्रहार एक सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा, उड़ीसा से प्रक्षेप, हाँ वो उड़ीसा से किया गया था इसका परीक्षण। ठीक है, मैं आपको थोड़ा प्रहार के बारे में बता देता हूँ कि प्रहार है क्या और इसकी क्या खूबियाँ हैं, ये भी मैं बता देता हूँ आपको।
ये डीआरडीओ प्लस बीडीएल, ठीक है, बीडीएल का फुल फॉर्म क्या है जल्दी से बताइए, इसका फुल फॉर्म है भारत भारत डायनेमिक डायनेमिक्स एलटीडी लिमिटेड, ठीक है, इसका फुल फॉर्म, इन दोनों ने मिल करके बनाया है, ठीक, प्रहार को, प्रहार मिसाइल को डीआरडीओ ने और बीएलडी ने मिल करके बनाया है। हाँ, और इसका जो वजन है ये है आपका 1280 केजी, ठीक, और इसकी लंबाई जो लेंथ जो है ये है आपकी 7.3 मीटर, और इसकी स्पीड जो है ये आपकी है 2.03 किलोमीटर प्रति सेकंड, ठीक। इसके कुछ प्रहार के बारे में कुछ जानकारी थी। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आत्मनिर्भरता किस योजना का मुख्य उद्देश्य था। तो ये पूछ रहा है कि प्लान पूछ रहा है कि आत्म योजना जो मेन थीम थी वो किस योजना का था। तो ये था फोर्थ प्लानिंग का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत के संविधान को अपनाया गया। तो जल्दी से बताइए कब अपनाया गया था। तो भारत के संविधान को अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को, ठीक है, और पूर्ण रूप से कब अपनाया गया था, ये था 24वां क्वेश्चन है हमारा, शैलेश नायक समिति संबंधित है। तो ये संबंधित किससे है, तो ऑप्शन में हमारे दे रहा है, ऑप्शन पहला क्या कह रहा है हमारा, कल्चरल हेरिटेज से, ठीक है, दूसरा कहता है स्वच्छता अभियान से, तीसरा कह रहा है वित्तीय समावेशन से, और चौथा कह रहा तटीय नियमन जोन से, कोस्टल रेगुलेशन जोन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, कोस्टल रेगुलेशन जोन, सॉरी। जी दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, तटीय नियमन जोन से। ये दोस्तों 2014 में इस समिति का गठन हुआ था, ठीक है, 2014 में इस समिति का गठन हुआ था 2011 के रिपोर्ट का निरीक्षण करने के लिए, ठीक है दोस्तों। और ये समिति ने 2015 में अपनी रिपोर्ट पेश की थी, ठीक, और इसे 2018 में अपनाया गया था। ओके, अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ को दुनिया की सबसे पतली सामग्री के रूप में जाना जाता है, ठीक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ग्राफीन, ठीक है। अब मैं आपको ये भी बता दूं, ग्राफीन की खोज किसने की थी। तो ग्राफीन की खोज करने में दो लोगों का हाथ था, एक का नाम था
आंद्रेजीम, ठीक है, ठीक है, आंद्रेजीम, और दूसरे थे कोस्टांटिन, ठीक है, कोस्टांटिन नोवोसलेव, ठीक है, ये दोनों लोग थे खोज करने में। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, अनुसूचित जात तथा अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक आर्थिक राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है? तो संविधान में इसकी कहां पे चर्चा की गई है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल 46, ठीक है। तो आर्टिकल 46 कहां पे है, ये हमारे डीपीएसपी में है, ठीक है, नीति निर्देशक तत्व में यहां पे इनकी चर्चा की गई है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, चुनाव में भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है, ठीक है। ऑप्शन दे रहा, चुनाव में मतदान करना, वैज्ञानिक सोच का विकास, सार्वजनिक संपत्ति का सुरक्षा करना, संविधान को मानने एवं उसके नीतियों का सम्मान करना, नहीं है ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ये ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म होता है। जब आप पेपर देने जाते हैं तो वहां पे आप गलती कर देते हैं तुरंत, और आप कोई और आंसर टिक करके चले जाते हैं, तो नहीं को आप जरूर दें, ध्यान जरूर दें कि क्वेश्चन में नहीं पूछ रहा है, ठीक है। जब भी आप पेपर देने जाएं तो क्वेश्चन में नहीं शब्द को अंडरलाइन तुरंत कर लें, इससे क्या होगा कि आप तुरंत समझ सकते हैं कि मतलब ये नहीं पूछ रहा है। जैसे केवल पूछ लेता है, नहीं पूछ लेता है, तो ये इंपॉर्टेंट शब्द होते हैं, इनको आप पहले तुरंत अंडरलाइन कर लें, जिससे आपको नज़र बनी रहे उसके ऊपर, नहीं तो आप कहीं हाँ समझ के या कुछ और समझ के कोई और आंसर टिक कर सकते हैं, जिससे आपका वो आंसर गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, चुनाव में मतदान करना, ठीक है, चुनाव में मतदान करना ये आपका मौलिक कर्तव्य नहीं है, ठीक है। ये कौन क्या ये चुनाव में ये कौन से राइट है आपका, चुनाव में मतदान करना, जल्दी से मैं आपको बता देता हूं। आर्टिकल 325 एंड 326 के थ्रू, ठीक है, ये एक सांविधिक अधिकार है, ठीक है, सांविधिक अधिकार है, ठीक है। सांविधिक अधिकार मतलब ये होगा स्टेटरी राइट, ठीक है, स्टेटोरी राइट है ये आपका, और इसको बहुत सारे पेपर्स में पूछा गया है ये क्वेश्चन कि चुनाव में मतदान करना हमारा कौन सा राइट है, फंडामेंटल राइट्स है, क्योंकि बहुत सारे आयोग ने तो एक बार क्वेश्चन पूछा था 2018 में ये UPSC के एग्जाम में, ठीक है, तो उसमें तो इसमें फंडामेंटल राइट मान लिया था उन्होंने, फिर उसको रिवाइव करके उसको बोला कि ये एक तरीके का ये संवैधानिक अधिकार है। तो आपको बता दूं कि 2018 में ही सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और बोला कि ये सांविधिक अधिकार है, ठीक है, स्टेटोरी पावर है, ठीक है, इसने बोला था ये एक तरीके का स्टेटोरी राइट है, सांविधिक अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला, तो सारी अटकलें खत्म हो गई और ये बात मुद्दा है कि ये अब एक सांविधिक पावर है, ठीक है, मतलब राइट है आपका वोट देने का अधिकार। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षोभ मंडल की मोटाई बढ़ जाती है
पूछ रहा है कि क्षोभ मंडल की मोटाई कब बढ़ती है, गर्मी में, सर्दी में, बसंत में, यह कभी नहीं बदलता, इट नेवर चेंज। जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा गर्मी में, ठीक है, इन समर्स में बढ़ जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस द्वीप समूह को सीप द्वीप कहा जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, फेरो द्वीप, ठीक, फेरो द्वीप को ही कहा जाता है, आप इसको याद कर लें, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप कहाँ खेला जाएगा। ये तो भाई लोगों को पता ही होना चाहिए, ये कहाँ खेला जाएगा, आप कमेंट भी कर सकते हैं, मैं सारे कमेंट पढ़ूंगा आपके। इसका राइट आंसर होगा इंडिया में, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, ठीक है। क्या कह रहा है, प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। इसमें क्या है, लैन ऑप्शन दे क्या ले, लैमार्क, हेनरी, हक्सले और पुरकिंजे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, पुरकिंजे ने किया था, ठीक है। ओके दोस्तों, चलते हैं आगे अपने क्वेश्चन की तरफ, आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है, भारत की संविधान सभा के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया। हमारा जब संविधान सभा बन रही थी तो उस समय उपाध्यक्ष कौन थे, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो हमारा क्वेश्चन, इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर है आंसर नंबर बी, एससी मुखर्जी। ओके, बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, लाभ के प्रायोगिक सिद्धांत का प्रस्ताव किसने किया। जल्दी से बताइए, लाभ के प्रायोगिक सिद्धांत का प्रस्ताव किसने किया। ऑप्शन दे रहा है जेबी क्लार्क, जे सुम्प पीटर, अल्फ्रेड मार्शल, इनमें से कोई नहीं, जल्दी बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, जेबी क्लार्क ने किया था, ठीक है। तो ए इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मिर्च में तीखापन किसके कारण होता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, मिर्च में तीखापन किसके कारण होता है। तो इसमें मिर्च में क्या पाया जाता है, कैप्साइसिन, ठीक है, कैप्साइसिन पाया जाता है मिर्च में, जिसकी वजह से वो तीखापन होता है। यह बहुत सारी मतलब बीमारियों में भी बहुत लाभ का होता है कैप्साइसिन, और लेकिन ज्यादा सेवन करने से ये हानिकारक भी है कैप्साइसिन। हृदय रोग के लिए ये अच्छा है और कुछ और रोगों के लिए भी ये अच्छा है, लेकिन ज्यादा प्रयोग करने से थोड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि ये जलन करता है हमारे शरीर में जा करके। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि एक वस्तु के लिए उपभोक्ता की मांग उसकी आय के समान दिशा में बढ़ती है, ठीक है, क्या कह रहा है, यदि एक वस्तु के लिए उपभोक्ता की मांग उसकी आय के समान दिशा में बढ़ती है, तो उस वस्तु के लिए उपभोक्ता की मांग उस वस्तु की कीमत से प्रतिलोम रूप से संबंधित होनी चाहिए, जिसे डॉट कहा जाता है। इसको क्या बोलते हैं, मांग का नियम, आपूर्ति का नियम, प्रतिस्थापन का नियम, या इष्टतम पसंद का नियम, लॉ ऑफ ऑप्टिमल चॉइस। इसका राइट आंसर होगा मांग का नियम, लॉ ऑफ डिमांड। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, लॉ ऑफ डिमांड।
ए इज द राइट आंसर, लॉ ऑफ डिमांड। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बैक्टीरिया किसके द्वारा खोजा गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अंतोनिए वन एल्यूवेन को एक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक, ये इन्हीं के द्वारा खोजा गया था। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन से पौधे में जड़ ग्रंथि होती है? पूछ रहा है लेग्यूमिनस प्लांट ऑप्शन में है, पौराणिक पौधे, परजीवी पौधे, एपिपियाटिक पौधे या एक्वाटिक पौधे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, लेग्यूमिनस प्लांट। ओके, पौराणिक पौधे, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इस समूह के जितने भी पौधे होते हैं उनमें जड़ पाए जाते हैं। ठीक है, इस समूह के जितने भी पौधे होंगे उनमें जड़ जरूर पाए जाएंगे। ठीक है, अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विटामिन बी थ्री को अन्य किस नाम से जाना जाता है? विटामिन बी नाइन इज का सॉरी बी नाइन है सॉरी बोल दिया बी थ्री मैंने बी नाइन है विटामिन बी नाइन इज आल्सो कॉल्ड, अब क्या बोलते हैं इसको, ऑप्शन में दे रहा है फोलिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बायोटिक बायोटिन सॉरी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, फोलिक एसिड। ठीक, ऑफ दिस क्वेश्चन इसका राइट आंसर यही है, फोलिक एसिड। ठीक, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अर्थशास्त्र में नोबल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय का नाम? पूछ रहा है कि अर्थशास्त्र में नोबल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय का नाम क्या है, जो पहले थे उनका नाम क्या था? तो ऑप्शन में दे रहा है सी के नायडू, रंगनाथ मिश्रा, अमर्त सेन, सी वी रमन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अमर्त सेन। ओके, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चुनावी वर्ष में वित्त मंत्री द्वारा आमतौर पर किस प्रकार का बजट पेश किया जाता है? ठीक है, क्या कह रहा है, चुनावी वर्ष में वित्त मंत्री द्वारा आमतौर पर किस वर्ष किस प्रकार का बजट पेश किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा क्या है, इसका राइट आंसर अंतरिम बजट। ठीक है, ये विशेषकर तब अंतरिम बजट तब पेश किया जाता है जिस वर्ष चुनाव होता है। ठीक है, जिस वर्ष चुनाव होता है उस समय ये बजट पेश किया जाता है, इसे मिनी बजट भी बोलते हैं, कहीं टर्म आ जाएगा मिनी बजट के नाम से भी इसको संबोधित किया जाता है, तो ध्यान दें आप इस बात का। और ये तभी होगा जब लोकसभा का चुनाव होने वाला होता है, तभी इस बजट का आता है। ठीक है, तभी ये बजट लाया जाता है, क्योंकि उसके बाद जो गवर्नमेंट बनती है वो फुल बजट लेकर के आती है पूरे साल के लिए। ठीक, तो इसीलिए अंतरिम बजट, जिससे कार्य ना रुके, और इसीलिए अंतरिम बजट को पेश कर दिया जाता है। ठीक, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, जल्दी से बताइए। तो ये थी समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, समुद्रगुप्त। ठीक, ये गुप्त राजवंश के फोर्थ नंबर के राजा थे। ठीक है, ठीक, और इन्होंने कब से कब तक राज किया था ये भी बताता चलूं आपको, 335 से लेकर के 380
ईसा पूर्व तक, ठीक। और इसके काल को ही स्वर्णिम काल कहा जाता है, स्वर्णिम काल कहा जाता है, ठीक है। और इसके काल में बहुत सारे विकास हुए थे और इन्होंने बहुत सारे युद्धों को जीता था, इसलिए इनको भारत का नेपोलियन कहा गया, ठीक है। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय में अंगस्सी ग्लेशियर से निकलती है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान दें। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ऑप्शन पहले पढ़ देता हूं मैं, गंगा, यमुना, नर्मदा, ब्रह्मपुत्रा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इज द राइट आंसर, ब्रह्मपुत्रा, ठीक है, ब्रह्मपुत्रा, ठीक, राइट आंसर है इसका। अब मैं आपको इसके बारे में कुछ बता दूं, अंगसी ग्लेशियर के बारे में। ये कहां पे है? ये तिब्बत के पुरंग जिले में, ठीक है, ठीक, पुरंग जिले में पड़ता है। बात ये है कि तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को क्या बोलते हैं? सांपो नदी। और उसके बाद ये आती है इंडिया में, ठीक है, उसके बाद ये कहां जाती है इंडिया के बाद? ये आती है आपकी बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश में, ठीक है। और यहां पे इसको जमुना बोला जाता है, इंडिया में इसको ब्रह्मपुत्रा बोला जाता है, ठीक, और बांग्लादेश में से जमुना बोला जाता है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 किससे संबंधित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और कई बार ये पूछा जा चुका है, और ये हमेशा लगभग हर पेपर्स में ये क्वेश्चन आपको दिख जाएगा लगभग लगभग, कि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान दें। तो ऑप्शन क्या कह रहा है? लोकसभा के लिए सीटों की संख्या, राज्यसभा के लिए सीटों की संख्या, आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी, कश्मीर को विशेष दर्जा, ठीक है। आप ध्यान दीजिए, क्या पूछ रहा है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इज द राइट आंसर, आधिकारिक भाषा के रूप में, ठीक है। इसमें बोला गया है आर्टिकल 343 में, आर्टिकल 343 में क्या बोला गया है मैं आपको बता दूं, यहां बताता हूं, 343 में कि आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी होगी, और जो लिपि होगी वो क्या होगी? वो होगी देवनागरी, ठीक है, लिपि हमारी देवनागरी होगी और भाषा हमारी हिंदी होगी, आधिकारिक भाषा हिंदी होगी, ठीक है। आप कंफ्यूजन ना रहे, ये भी पूछ सकता है कि अगर यहां पे दे दिया गया हो कि लिपि देवनागरी के बारे में, तो आप वो भी ऑप्शन सही होगा, ठीक है, तो आप इसमें कंफ्यूज ना हो क्या, इसीलिए मैंने आपको बता दिया कि इसमें दो बातें की गई हैं कि आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी होगी और लिपि के रूप में देवनागरी होगी। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हड़प्पा संस्कृति में मुहरों और टेराकोटा कला पर निम्नलिखित में से कौन सा जानवरों का प्रतिबिंध नहीं करता था, प्रतिनिधित्व नहीं करता था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, इज द राइट आंसर, गाय, काऊ। मुहरों टेराकोटा पे कहीं भी गाय का प्रतिबिंब नहीं मिला है, ना कोई चित्र मिला है, ठीक है, लेकिन हाथी, गैंडा और बाघ तीनों का मिला था, लेकिन गाय का नहीं मिला है, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर न्यायपालिका को संविधान का संरक्षक कौन बनाता है?
तो देख रहा है, पूछ रहा है, कह रहा है इसमें ऑप्शन में कि स्वतंत्रता सेवा की स्थिति, वेतन, न्यायिक समीक्षा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जुडिशियल जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, न्यायिक समीक्षा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाइड्रोमीटर का आविष्कार किसने किया था, जल्दी से बताइए। पूछ रहा है हाइड्रोमीटर का आविष्कार किसने किया, जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, विलियम निकोलसन। ठीक है, विलियम निकोलसन। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रामनाथ स्वामी मंदिर एक हिंदू मंदिर है जो किस भगवान को समर्पित है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसके बारे में जाने। ऑप्शन में दे रहा है शिव मंदिर, जैन, कृष्ण, गणेश। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, शिव मंदिर है ये। ठीक है, ये जिसको हम आमतौर भाषा में रामेश्वरम बोलते हैं, रामेश्वरम जो आइसलैंड है हमारा, वहां पे है ये मंदिर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, फीफी पुरस्कार डॉट डॉट उद्योग में दिया जाता है, फीफा नहीं, फीफी है, ये ध्यान रखें आप, जल्दीबाजी में गलत ना कर दें। ये फीफी पुरस्कार के बारे में पूछ रहा है, फीफी, तो ये किस उद्योग में दिया जाता है, किस इंडस्ट्री में दिया जाता है ये, तो ये दिया जाता है आपका परफ्यूम्स में। ठीक है, इत्र में। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, परफ्यूम, इत्र। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है। ठीक है, नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, आंसर नंबर, इसमें ऑप्शन क्या है, पुणे, दिल्ली, मुंबई, नागपुर। तो इसका राइट आंसर होगा नागपुर। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हमारे इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन है, हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। पूछ रहा है हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। तो इसका और ऑप्शन में क्या कह रहा है, सोडियम और पोटेशियम, आयरन और कैल्शियम, सोडियम और कैल्शियम, कैल्शियम और फास्फोरस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, कैल्शियम और फास्फोरस। ओके, ये हमारा आज की क्लास संपन्न हुआ। हमारे आप चैनल को लाइक, शेयर और फॉलो जरूर करें, और सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन हमारी क्लासेस की मिलती रही। आज हमारा इस सेशन का, इस सीरीज का पहला क्लास था। उम्मीद है कि ये क्लास आपको पसंद आई होगी, और कल इसी टाइम पे फिर मिलता हूँ नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।